क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसका ये है कि सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका इसका बताती हूँ कि सिंपल आपने इसको करना है, 3.75 है तो आप इसको 3.75 लिखेंगे और डिवाइडेड पर लिख के डेसिमल के बाद देखना है कि कितने नंबर्स हमारे पास हैं। डेसिमल के बाद दो नंबर हैं इसलिए दो जीरो लगाएंगे और साथ वन, ये हो गया। मल्टीप्लाई पर डाल के 8.4 है, आप उसको 8.4 लिखेंगे, 84 यानी कि बन जाएगा। और डेसिमल के बाद वन नंबर है इसलिए 10 एंड देन इसको यहाँ पे वन लगा दी, ये 10 आ जाएगा। अब हमने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 375 टाइम्स बाई 84 है तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 375 टाइम्स बाई 84, तो आंसर आता है 4 × 5 = 22 हो जाएगा। 4 × 7 = 28 और 2 इसमें ऐड किया तो 30 हो जाता है, 3 इधर लगा देंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा एंड देन 3 इसमें ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 15। और नेक्स्ट नंबर है इसलिए हम जीरो लगा देते हैं, सम टाइम क्रॉस भी लगा देते हैं, तो एक ही मतलब है इसका। इस तरह अब ये जो हो गया इसलिए इसको हमने इसको कट कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो सके। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे यूनिट से हमेशा। 8 × 5 = 40, 0 आ जाएगा और 4 हमने इधर लगा दिया। 8 × 7 जो होता है वो 56 होता है, 56 में ऐड किया 4 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60, 0 है और इधर 6 इधर लगा देंगे, ठीक है। 8 × 3 जो होता है वो 24 होता है और उसमें फिर 6 ऐड कर देंगे, 30। अब इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास आता है 0, 0, 5, 1 और 3, इन सबको ऐड किया। अब ये जो ऐड करके हमारे पास आंसर आया उसको हम यहाँ लिखेंगे 3, 1, 5, 0, 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बहुत इजी होता है, जस्ट आपने 1 × 1 = 1 हो जाता है और कितने जीरोज हैं यहाँ पे 2 हैं और इस साइड पे 1 है तो 3 जीरो, इसलिए 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको जब डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का भी यही आसान वे है कि आपने पहले ये क्वेश्चन जो है वो आपने लिख लिया 3, 1, 5, 0, 0, जो ऊपर वाला नंबर है उसको हमने पहले वैसे ही लिख देना, और इसमें 3 जीरोज़ हैं तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और ये डेसिमल के बाद इस वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो आंसर हमारे पास आ गया 331.5। अब हम इसी वाले क्वेश्चन को दूसरे वे से करेंगे। इसका सेकंड वे ये है कि आपने इसको लिखना है 3.75 को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8.4, ठीक है। अब इसमें डेसिमल भी हमने लिखा है साथ, सो सिंपल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी जैसे कि हम पहले मैंने यहाँ पे की है, तो इसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 × 5 = 22 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा और उसमें 2 ऐड की है उसमें तो 30, 0 हो गया 3, 4 × 3 = 12 होता है, उसमें 3 ऐड किया तो 15, क्लियर। और फिर इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब सेकंड नंबर के लिए अभी हमें डेसिमल नहीं लगाना कि ये 2 हुआ तो 2 के बाद डेसिमल, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर के लिए फिर 0 लगा देते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब फिर 8 × 5 = 40 होता है, 0 आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। 8 × 7 = 56 होता है, उसमें 4 ऐड किया तो 60, 0 इधर और 6 इधर आ जाएगा। 8 × 3 होता है 24,